जीएस का सेक्शन है ना, जीएस है ना, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन हमें डिस्कशन करना है कैसे पढ़ना है ना, मतलब तरीका क्या होगा सामान्य अध्ययन पढ़ने का, ये है ना। तो सामान्य अध्ययन जो है सामान्य अध्ययन या फिर जीएस है ना, ये हमारा 9 स्तंभों पर होगा, 9 स्तंभ यानी 9 पिलर। इन 9 पिलर पे हम क्या पढ़ेंगे, जीएस पढ़ेंगे या फिर सामान्य अध्ययन स्टडी करेंगे, ये होगा भाई सिलेबस जो हमारा प्रोफार्मा दिया गया है उसमें यही लिखा है ना कि 9 खंडों पर आधार है। तो ये 9 खंड, इन 9 खंड को पूरा करेंगे अपन लोग ठीक धीरे धीरे एक एक करके, है ना, कि कौन कौन से खंड होंगे, कैसे आएंगे, पहले क्या होगा, दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा, चौथा क्या होगा, इस टाइप से है ना, पांचवा क्या होगा, छठा क्या होगा, तो कैसे करेंगे ये सब, है ना। तो यही हमें पढ़ना है आज, डिस्कशन करना है कि कैसे क्या, कि 9 खंडों पर आधारित कैसे होगा ये। तो इस 9 खंडों में हमें कुछ मेन पिलर हमारे होंगे, कुछ सपोर्टिंग पिलर होंगे, जैसे भूगोल मेन पिलर है, एनवायरनमेंट उसका सपोर्टिंग पिलर है, भूगोल से क्वेश्चन आएंगे और एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएंगे, ये इस टाइप से है ना। तो भूगोल भी और एनवायरनमेंट भी है ना, भूगोल भी और एनवायरनमेंट भी है ना, ऐसे कि भाई दोनों एक सपोर्टिंग और एक मेन पिलर, तो ऐसे। तो पहला इसमें पिलर क्या होगा, 9 स्तंभ में पहला जो पिलर होगा वो क्या होगा, पहला जो पिलर होगा वो हमारा क्या होगा, तो पहला जो पिलर होगा वो हिस्ट्री का होगा, क्या होगा, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री। पहला जो पिलर होगा वो क्या होगा, हिस्ट्री, इतिहास से है ना, इतिहास पहला पिलर है ना। ये 9 स्तंभ हमारे हैं, इन 9 स्तंभों में जो पहला पिलर आएगा हमारा, जो पहला पिलर आएगा वो इतिहास का आएगा, इतिहास या हिस्ट्री है ना, हिंदी में इतिहास, अंग्रेजी में हिस्ट्री, ऐसे। अब देखो इतिहास कितने, इतिहास के पार्ट कितने होते हैं ये, तो हम लोग तो सिलेबस में यही पढ़ते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये। लेकिन इतिहास के भाग की अगर हम बात करें तो इतिहास के भाग 3 होते हैं, इतिहास के भाग कितने होंगे, 3। पहला है अपने को प्राक इतिहास, प्राक इतिहास है ना, ये होगा। दूसरा पार्ट यहां पर होगा आग इतिहास, ये। और तीसरा पार्ट यहां पर होगा इतिहास, इतिहास है ना, ये। भाई अभी तक हम क्या देखते थे, ये कि इतिहास क्या होगा है ना, या फिर ये कि इतिहास कैसे, तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये। वो तरीका नहीं है, सही नहीं है, वो गलत है, तरीका ये है प्राक इतिहास और आग इतिहास और इतिहास, इनको तीनों को बांटा गया है लेखन सामग्री के आधार पर, लेखन सामग्री के आधार पर इसको अलग अलग भाग में डिवाइड किया गया है। जैसे प्राक इतिहास में ना तो कोई लेखन सामग्री है, जब है ही नहीं तो प्राप्ति नहीं होगी, जब लेखन सामग्री है ही नहीं तो प्राप्त होगी ही नहीं, यहां पर मनुष्य ने लिखना ही नहीं सीखा, अगर लिखना सीखा होता तो हमें पता होती, हमें कुछ ना कुछ तो मिला होता, भले उसको पढ़ पाते या नहीं पढ़ पाते लेकिन मिला होता कुछ ना कुछ, है ना। तो ये हमें ना तो इन्होंने लिखना सीखा था और ना हमें वो प्राप्त हुआ है ना। दूसरा आज इतिहास में इन्होंने लिखा लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, इन्होंने लिखा लेकिन वो हम पढ़ नहीं पाए, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने लिखा, क्या लिखा वो हम नहीं पढ़ पाए, अभी तक हम उसको पढ़ नहीं पाए। भावचित्रात्मक लिपि है, कौन सी लिपि है, भावचित्रात्मक लिपि है, हम वो पढ़ नहीं पाए अभी तक, है ना। तीसरा इतिहास, लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, लिखा भी गया और पढ़ा भी, जैसे मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन का जैसे बुद्ध काल, जैसे सम्राट अशोक है ना, अशोक के अभिलेख, ये उन लिखे गए अभिलेख हमने उनको पढ़ लिया, जेम्स प्रिंसेप ने उनको पढ़ा 1837 में सबसे पहले पढ़ा। तो ये प्राक इतिहास, लेखन सामग्री प्राप्ति नहीं हुई है,
है ना, यानी ने सीखा नहीं था लेकिन अपना तो लिखते क्या, प्राप्त कहाँ से हुई, इसके बाद आदि इतिहास लेखन सामग्री हुई है, प्राप्त हुई है लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, ये आदि है ना हड़प्पा जैसे। इसके बाद इतिहास, लेखन सामग्री लिखी है और हमने इसको पढ़ लिया है, ये इतिहास में होगा। ठीक है, सामान्य तौर पर हम जो इतिहास पढ़ते हैं उन इतिहास को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं, है ना। पहला हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत, प्राचीन भारत का इतिहास, है ना, इस टाइप से प्राचीन भारत का इतिहास ये। दूसरा हम लोग देखते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास ये, और तीसरा हम लोग देखते हैं आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास ये तीन। तो हिस्ट्री में हमारे ये तीन पार्ट है ना, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इनको हमें पढ़ना है। ये इतिहास के भाग नहीं है, ये सिलेबस के आधार पर बांटा गया है, भाग ये है इतिहास के भाग। अगर कोई आपसे पूछे इतिहास के भाग क्या है तो ये है तीन, प्राचीन इतिहास, आदि इतिहास और इतिहास। ये तो हमने सुविधा की दृष्टि से बांट लिया अपने हिसाब से। दूसरा यहां पर होगा, जो दूसरा होगा वो हमारा क्या होगा, दूसरा हमारा होगा भूगोल। दूसरा क्या होगा, भूगोल या ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भूगोल में दो पार्ट, नंबर एक भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, और नंबर दो विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये दो पार्ट है ना, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, ये दो पढ़ना है। ठीक है, तीसरा यहां पर होगा राज व्यवस्था, राज व्यवस्था, इसको बहुत सारे स्टूडेंट संविधान भी कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारे टीचर भी कहते हैं संविधान और राज व्यवस्था, पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी ये, या संविधान, है ना, ये हमारा तीसरा पिलर है। चौथा पिलर, चौथा पिलर इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थ व्यवस्था ये हमारा चौथा पिलर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी याद रखना है, इसमें हम भारतीय अर्थशास्त्र नहीं पढ़ेंगे, इंडियन इकोनॉमी यानी भारत जब आजाद हुआ 1947 की संध्या पर भारत की क्या स्थिति थी और उसके बाद आज तक भारत में कैसे डेवलपमेंट हुआ, कैसे काम किया, कौन कौन से मॉडल अपनाए गए, क्या परिवर्तन हुआ, है ना ये। तो चार पिलर, पहला इतिहास, दूसरा भूगोल, तीसरा राज्य व्यवस्था, चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था, पांचवा यहां पर विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान में तीन पिलर, एक दो तीन, पहला भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, ये तीन पार्ट। पहला क्या होगा, फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी, है ना, ये तीन पार्ट। ठीक है, तो विज्ञान के ये तीन पार्ट, इतिहास के तीन पार्ट, भूगोल के दो पार्ट और विज्ञान के तीन पार्ट, ये ऐसे है ना, राज्य व्यवस्था संविधान एक ही और भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी एक ही, है ना। इसके बाद हमें देखना है पर्यावरण, इन्वायरमेंट, इसके बाद जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पर्यावरण। पर्यावरण हालांकि भूगोल में ही होता है, भूगोल और पर्यावरण एक पूरा सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये अलग से पर्यावरण एनवायरनमेंट, है ना। इसके बाद जनगणना, जनगणना यानी सेंसस, सेंसस जैसे भारत की जनगणना, भारत की जनगणना जैसे नंबर दो यूपी की जनगणना, अगर एमपी का कोई एग्जाम होगा तो एमपी की जनगणना, इस टाइप से। ठीक है, भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना, ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात, सात पिलर हो गए। आठवां पिलर यहां पर होगा संस्कृति का, किसका होगा, संस्कृति, संस्कृति यानी कल्चर, कल्चर की मंदिर कैसे बने, है ना, कौन कौन से डांस है, कौन कौन से डांस फॉर्म है ना, ये शास्त्रीय नृत्य कौन है और लोक नृत्य कौन है, कल्चर दोनों, है ना, भारत का और जो राज्य में हमें उस राज्य का,
जिस राज्य का पेपर दे रहा है उस राज्य का, वो वहीं पर हिस्ट्री में आएगा, शामिल होगा। ठीक है, तो ये कल्चर या संस्कृति। ये जैसे कि मंदिर की बात हुई, एक एग्जाम्पल मंदिर है ना, तो मंदिर बनने की जो शैलियां हैं, एक दो और तीन, जैसे नागर शैली, जैसे वेषट शैली, जैसे द्रविड़ शैली, ये तीन तीन पद्धतियां मंदिर की। नागर शैली उत्तर भारत में, जो उत्तर भारत में मंदिर बने वो नागर शैली में, जो दक्षिण भारत में मंदिर बने वो द्रविड़ शैली में, और जो इन दोनों के बीच में, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में मंदिर बने वो कौन से, वेषट शैली। यानी इन दोनों की विशेषताएं जिनमें है वो क्या होगी, वेषट शैली होगी। एक लास्ट जो कलर हमारा होगा वो होगा करंट अफेयर, साम इकी, साम इकी यानी करंट अफेयर। ये